हेलो गाइस, वेलकम टू मैडी ब्लॉग्स। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरे को एक छोटा सा सामान खरीदना है। मैं वो ऑनलाइन ले सकता था, लेकिन मेरे को ऑनलाइन उतना ड्यूरेबल नहीं लगा। उसी के लिए मैं जा रहा, फिजिकली उसको परचेस करूँगा। तो फिर चलते हैं, रास्ता में फिर बात करेंगे, फिर मैं बताऊँगा क्या लेने वाला हूँ। तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को देख के तो आप समझ ही होंगे मैंने क्या परचेज़ किया है। मैंने आपको तीन ठो चेयर का स्नैप दिखाया, उसमें से एक चेयर मैंने परचेज़ किया क्योंकि मैं घंटों तक बैठता हूँ एडिटिंग करने के लिए। तो फिर उसी से थोड़ा बैक पेन चालू हो जाता है, क्योंकि जिस चेयर में मैं बैठता हूँ वो हार्डली आधा घंटा एक घंटा बैठने के लिए उस चेयर में, मतलब सोफ़ा टाइप का चेयर, तो उसमें ज़्यादा देर बैठ के काम नहीं करना चाहिए, जिसके चलते मेरा बैक पेन भी शुरू हुआ था। तो उसी के लिए मैंने एक तो एग्रोनॉमिक्स का एक तो अच्छा सा चेयर लिया फेदर लाइट से, और बाकी उस वो अभी मेरे घर अभी डिलीवरी होने वाला है। मैं जल्दी से घर जाता हूँ ताकि वो अभी इंस्टॉलेशन करेगा, उसका वीडियो भी आपको दिखा पाऊँगा, और कितना क्या कॉस्टिंग गिरा वो मैं आपको लास्ट में आपको बताऊँगा। तो फिर अभी चलते हैं घर। एक ऑटो वाला आ गया है मेरा चेयर लेके, मेरे को अभी वो कॉल किया था, तो मैं अभी नीचे जा रहा हूँ उसको रिसीव करने के लिए, ताकि उसको गाइड कर दूँ मेरा कौन सा फ्लैट में है, तो उसको भी थोड़ा हेल्प आउट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं, फिर ऊपर आके अनबॉक्सिंग करेंगे। अच्छा, लॉगे दी गया जी जीतल है। गोड़ाउनी 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 इतना चक्का खराब है जो। ओ एडी लगे थे ले, मैं देख ली ऑटो टा आसीला एडी जाई परियो तो। हां अबे कौन कोत लगी कौन कोनो मत फोन कर, सी मत फोन कर न थला ताकू फोन कर सी मारो हम खा। हां सी कॉल कर फोन टू डिजिटल में कौन कर छ मालूम हो सी मारो जान के सारा कौन कर छ पता ले मु कथा जाउ छ हला से कंफ्यूज हो जाई छी। तो चिरिया पड़ो। हाँ ठीक अच्छे चिड़देवी। हाँ थैंक यू भाई। तो फाइनली मेरा चेयर आ गया है। मैं थोड़ा इसका जरी वरी जो भी है उसको निकाल देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे ही फिटिंग कर दिया था, मैं नीचे जाते जाते वो फिटिंग कर दिया था, तो इसीलिए फिटिंग का प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाया।
अभी इसका जरी वरी थोड़ा निकाल देते हैं, फिर देखते हैं कैसा कंफर्ट है, क्या है, थोड़ा देख के बताता हूँ आपको। फाड़ना पड़ेगा। चेयर मैंने मंगाया है, ये है फेदर लाइट से मैंने मंगाया है। क्या क्या फीचर्स है मैं बता देता हूँ। काफ़ी अच्छा फीचर्स है, जैसे कि इसमें लंबर सपोर्ट है, जिसका कमर या फिर बैक पेन वगैरह है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। फिर ये फिक्स्ड हेडरेस्ट नहीं है, ये मूव करता है और एडजस्ट भी हो सकता है। एंड सेकेंडरी है ये आपका जो आर्मरेस्ट है, इसका भी हाइट एडजस्ट भी है। एंड आपका इधर जो नीचे में सीट हाइट एडजस्ट भी है, जैसे आपको ऊपर नीचे करना है वो उसका भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड बाकी ये जो चेयर है पुश बैक टाइप का भी हो सकता है, हालांकि लॉकिंग पोजीशन नहीं है लेकिन पुश बैक टाइप का आप यूज़ कर सकते हो। तो बाकी इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा रहेगा वो मैं अराउंड एक दो महीना या फिर 3-4 महीने यूज़ करने के बाद ही बता सकता हूँ। हालांकि ऐसा टाइप का चेयर हम लोग अराउंड 3-4 साल से यूज़ कर रहे हैं तो उसका फीडबैक तो काफ़ी अच्छा है। अभी ये नया स्टॉक है तो ये कैसा रहेगा वो मैं आपको आगे बता सकता हूँ। ये एर्गोनॉमिक्स चेयर का जो प्राइस मेरे को गिरा 12,570 प्लस 200 एडिशनल डिलीवरी चार्जेस। हालांकि सेम टाइप का चेयर, बाकी मटेरियल कौन सा वो मेरे को पता नहीं, मेरे को ऑनलाइन वही 8,000 to 9,000 वगैरह मिल जा रहा था, लेकिन मैंने सारा रिव्यू को चेक किया तो पता चला कि ड्यूरेबल नहीं है, इसी के लिए मैं ऑफलाइन इसको परचेस किया हूँ। तो मेरे को लगभग वही 13,000 अराउंड कॉस्ट गिर गया मेरे। सो ये था एक छोटा सा ब्लॉग और इसको आज यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नया कंटेंट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।